मेजर पेटिकल चार हैं बोर्ड में, पांचवा छठवां आठवां नौवें नंबर का, ये नोट कर लीजिएगा। माइनर पेटिकल 2, 3, 4 है, मेजर पेटिकल 5 मार्क्स का है और माइनर पेटिकल आपका 4 मार्क्स का है। स्लाइड प्रिपरेशन दी हुई आपको, स्लाइड प्रिपरेशन दिया हुआ है, इसमें आपको 2 स्लाइड बनाना होता है, ये 5 मार्क्स के हैं। उसमें एक स्लाइड आपको रूट टिप की बनानी होती है और एक स्लाइड पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन का होता है। स्पॉटिंग 7 मार्क्स की है, जैसे 11th में स्पॉटिंग होती रही है वैसे ही स्पॉट, जो भी एक्सपेरिमेंट में लिखवा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में, वो सारे एक्सपेरिमेंट स्पॉटिंग के हैं। और इसमें आपको 2 मिनट मिलता है स्पॉटिंग के लिए, आपको कमेंट लिखना पड़ता है, एक डायग्राम छोटा मोटा बनाना पड़ता है। इसके बाद आप प्रैक्टिकल जो बना रहे हैं वो 4 मार्क्स का है और प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर में जैसा बनाए थे आप वो 5 मार्क्स का है, कुल मिला के ये 30 मार्क्स हो गए। तो 4 मेजर पेटिकल्स 5 मार्क्स के, 3 माइनर पेटिकल 4 मार्क्स के, 2 स्लाइड प्रिपरेशन 5 मार्क्स का, स्पॉटिंग 7। तो इसमें से ये 4 एक्सपेरिमेंट और 3 7, ये 7 एक्सपेरिमेंट में से 4-5 एक्सपेरिमेंट आपको बताए जाएंगे। स्लाइड प्रिपरेशन ये दोनों बताया जाएगा आपको। स्पॉटिंग 7 है तो कम से कम इसका दुगुना 14 स्पॉटिंग या इससे भी ज्यादा बताया जा सकता है, ये आपके हैं। फिर कौन से प्रैक्टिकल आपको कब करने हैं, ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है। प्रिपेयर टेम्पोरी माउंट ऑफ टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन, ये पॉलन जर्मिनेशन जब विद्यालय खुलेगा तो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करके हम दिखा सकते हैं, नहीं तो इसकी एक हम PDF भेज देंगे और उसको आप कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये भी आपको सॉइल का टेक्सचर पता करना है, pH और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पता करनी है, ये भी जुलाई में कराया जाएगा। कलेक्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज, pH कलेक्ट करना है और प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको तालाब का पानी मिलेगा, उस तालाब के पानी में से आपको ये पता लगाना होगा उसका pH क्या है उस वाटर का और उसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कतई ये मत लिख देना कि इसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियां घूम रही हैं, टर्टवाइज घूम रहा है ना, या समुद्र में जो है व्हेल है, ऐसा